हेलो एवरीवन। अच्छा, मैं आपसे ना इस टॉपिक में बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो लास्ट के जो दो क्वेश्चंस आपके डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के रहते हैं ना, वो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। कंसेप्ट कौन सा है? कंसेप्ट का नाम है मार्कअप एंड मार्क डाउन। मार्कअप एंड मार्क डाउन, ध्यान से मेरी बात सुन लो, मैं एग्जांपल से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पता है कई बार क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट होता है ना, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अपने पास जो स्टॉक शो करते हैं ना, अपने पास जो स्टॉक दिखाते हैं, वो कॉस्ट पे नहीं दिखाते हैं, बल्कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी वो अपने पास स्टॉक्स किस पे दिखाते हैं? वो इनवॉइस प्राइस पे दिखाते हैं। तो मेरे को एक बार दोबारा से बताओ, कई बार क्या होता है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपने पास जितना भी स्टॉक उन्हें मिलता है वगैरह वगैरह, वो किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट पे नहीं दिखाते, बल्कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी इनवॉइस प्राइस पे दिखाते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे ना एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स, इसने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस करी 110,000 की इसने परचेजेस करी, ठीक है, और डिपार्टमेंट एक्स का प्रॉफिट परसेंटेज है 50% ऑन कॉस्ट। तो डिपार्टमेंट एक्स अपने पास परचेजेस को अपनी कॉस्ट पे नहीं दिखाएगा, बल्कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे दिखाएगा। कितना प्रॉफिट है? 50% ऑन कॉस्ट। तो 1,10,000 पे 50%, 55,000 का प्रॉफिट। मतलब इनवॉइस प्राइस इन गुड्स का क्या आता है? 1,65,000। तो याद रखना, डिपार्टमेंट एक्स परचेजेस को अपने पास कॉस्ट पे 1,10,000 पे नहीं दिखा रहा है, बल्कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी इनवॉइस प्राइस पे दिखा रहा है। चलो अब मैं आपसे ना थोड़ा सा इसका मैं बायफर्केशन आपको बताता हूं, ध्यान से देखनी है मेरी बात। मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। कौन से? आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी और आइटम ई। जो आइटम ए है ना, उसकी कॉस्ट 40,000 है, आइटम बी की कॉस्ट 30 है, आइटम सी की 20 है, आइटम डी की कॉस्ट 10,000 और आइटम ई की कॉस्ट 10,000। तो इसका टोटल करोगे तो 1,10,000 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, डिपार्टमेंट एक्स ने इन परचेजेस को अपनी बुक्स में कॉस्ट पे नहीं दिखाया, बल्कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे दिखाया। प्रॉफिट कितना है? 50% ऑन कॉस्ट। तो 40,000 पे 50%, तो इनवॉइस प्राइस आ गया आइटम ए का 60, 30 पे 50%, 15,000। आइटम बी का इनवॉइस प्राइस 45, इस पे 50% करो 10,000। आइटम सी का इनवॉइस प्राइस 30,000, डी का 10,000 प्लस 50% 5,000। आइटम डी का इनवॉइस प्राइस 15,000 और ई का कॉस्ट 10,000 प्लस 50% 5,000। तो ई का इनवॉइस प्राइस आ गया 15,000, ठीक है। चलो, तो पता है बेसिकली कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो डिपार्टमेंट एक्स है ना, वो कह रहा है कि आइटम ए 40,000 की है, अगर हम कल को इन्हें मार्केट में बेचते हैं तो ये 20,000 के प्रॉफिट पे बिक जाएंगी। यानी ये कल को कितने की बिक जाएंगी? 60,000 की बिक जाएंगी, ठीक है। चलो, ऐसी उन्होंने आइटम बी के लिए कहा कि ये मार्केट में कल को अगर बेचने जाएंगे तो ये 15,000 के प्रॉफिट पे यानी 45,000 की बिक जाएगी, एंड सो ऑन। लेकिन एक बताओ, ये आपका एक एस्टिमेट ही तो है ना, हो सकता है कल को इतने की बिक जाए या इससे ज्यादा की बिक जाए या इससे कम की बिके। तो
एक्चुअल में कितने की बिकी वो बात करते हैं। आइटम ए आपने सोचा था 60 की बिकेगी और बिकी भी कितने की 60 की। आइटम बी आपने सोचा था 45 की बिकेगी, बिकी 50 की। आइटम सी सोचा था 30 की बिकेगी, बिकी 28। आइटम डी तो हो गई लॉस्ट यानी स्टोलन, ठीक है। और आइटम डी आइटम ई मार्केट में बिकी ही नहीं, मतलब ये अभी भी किस में है, ये अभी भी किस में है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब इस पूरे को डिपार्टमेंट एक्स अपनी बुक्स में कैसे दिखाएगी उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ना एक दो बातें और बता दूं, मेरी बात जरा सुनना सब ध्यान से। हम मार्कअप और मार्क डाउन का अब मतलब समझ रहे हैं, ध्यान से मुझे एक बताओ। आपने सोचा था कि आइटम ए जिसकी कॉस्ट 40 है मार्केट में 20 के प्रॉफिट पे बिकेगी, मतलब 60 की बिक जाएगी, और बिकी भी कितने की 60 की। तो सोचा भी 60, मिला भी 60, बात खत्म। अब देखो आइटम बी, आपने सोचा था कि ये मार्केट में 45 की बिक जाएगी, मतलब 15 के प्रॉफिट पे बिकेगी, और एक्चुअल में ये 50 की बिकी, मतलब 20 के प्रॉफिट पे। तो हम इसे कहते हैं 5,000 रुपए एक्स्ट्रा की बिकी। फायदा हुआ या नुकसान? फायदा। इसे हम कहते हैं मार्क अप। कितने रुपए का मार्कअप आया? 5,000 रुपए का मार्कअप आया। सिंपल वर्ड्स में आप चाहो तो एडिशनल प्रॉफिट कह सकते हो आप इसे। मार्कअप को आप क्या कह सकते हो बताओ? एडिशनल प्रॉफिट। अच्छा अब जरा बताओ मेरे को सी, आपने सोचा था मार्केट में बिकेगी 30 की, बिकी 28 की, तो बताना प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। इसे हम कहते हैं मार्क डाउन। कितने रुपए का लॉस? 2,000 रुपए का लॉस। तो मार्क डाउन को आप कह सकते हो लॉस। लेकिन ना मैं एक बार बताऊं, ये वैसे लॉस नहीं है, मतलब आप इसे ये नहीं कहो कि बेचने पे नुकसान हो, नहीं, बेचने पे नुकसान नहीं हुआ है, बेचा तो अभी भी प्रॉफिट पे। बताओ 20 का सामान 28 का बेचा तो 8 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ही तो हुआ, लेकिन उम्मीद से कम हुआ, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? लॉस। आपने सोचा था 10 का प्रॉफिट होगा जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट सिर्फ 8 का हुआ, ठीक है। अच्छा यहां पर मार्कअप मार्केट मार्कडाउन अराइज करेगा नहीं क्योंकि एक्चुअल में सेल्स हुई नहीं। चलो अब मैं आपको ना इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूं, इसको शो कैसे करना है देखना। अब ना डिपार्टमेंट एक्स अपनी बुक्स में दो अकाउंट्स बनाएगा, एक तो वो बनाएगा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और एक वो बनाएगा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। तो दो अकाउंट्स बनेंगे, मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप। अच्छा अब सुनो मुझे बताओ डिपार्टमेंट एक्स ने क्या करी थी? सबसे पहले परचेजेस करी थी, कितने रुपए की? 110,000 रुपए की परचेजेस करी थी। मैं आपसे बस एक बात पूछूंगा, परचेजेस की वजह से मुझे इतना बता दो स्टॉक पे इफेक्ट क्या पड़ता है? स्टॉक बढ़ जाता है तो डेबिट कर दो परचेजेस को, टू परचेजेस, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं हर आइटम को ना अलग अलग लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई, देखना मुझे बताओ ए कितने की खरीदी थी? 40, बी 30, सी 20, डी 10, ई 10। और एक बात और बताओ, अब ये डिपार्टमेंट परचेजेस को अपनी बुक्स में कॉस्ट पे नहीं दिखा रहा है बल्कि कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट पे दिखा रहा है। तो 40 प्लस 50% प्रॉफिट 20, तो ए का इनवॉइस प्राइस 60, 30 प्लस 50% 15,000, 45,000, 20 प्लस 50% 10,000, 30,000, 10 प्लस 50% 5,000, 15,000, और 10 प्लस 50% 5,000,
आ गई है परचेजेस हमारी। अब मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, ये जो आपने परचेजेस बुक करी हैं, इसका टोटल अगर आप करोगे परचेजेस का, तो इसका टोटल आ जाएगा 1,65,000। और मुझे एक बात बताओ, इस 165 की परचेजेस में से कितने का प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाला पार्ट कितना है निकालो जरा। 20,000 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 55,000 का प्रॉफिट है। मतलब सुनो, 1.65 की परचेज में 55 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट सिंपल वर्ड्स में मार्कअप, ट्रांसफर कर दो बाय स्टॉक अकाउंट, रिवर्स करो उसे 55, है ना। तो नेट तो वही आ गया ना, आपने परचेज को डेबिट करा 1.65 से, मार्कअप को क्रेडिट कर दिया 55 से, तो नेट इफेक्ट उतना ही आ गया 1.10 जितना नॉर्मली आप शो करते हो। ठीक है, ये हो गई परचेजेस। अब सुनो, अब मुझे ना एक एक करके सबका ट्रीटमेंट बताना क्या हुआ। मुझे पहले बताओ आइटम ए का क्या हुआ, उसकी तो मार्केट में हो गई सेल। अब बताओ कि सेल करोगे तो स्टॉक पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, स्टॉक कम हो जाएगा ना, तो बाय साइड पे लिखूंगा बाय सेल्स आइटम ए। बताओगे आइटम ए कितने का बिका, 60 का बिका, तो सोचा भी 60 था, बिका भी 60 का, तो देखा जाए तो इसका इफेक्ट तो आपस में कैंसल आउट ही हो गया ना, 60 डेबिट हुआ 60 क्रेडिट हुआ, बात खत्म। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ आइटम बी का क्या हुआ, ध्यान से ध्यान से। बी 45 की थी, मतलब आपने सोचा था कि 45 की बिकेगी, और बी एक्चुअल में बिकी 50 की, एक्चुअल में 50 की बिकी। अब ध्यान से ध्यान से मुझे एक बार बताओ आइटम बी की कॉस्ट क्या थी, 30, और बिकी कितने की, 50 की, यानी आइटम बी पे प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 15 का कहां हुआ, प्रॉफिट तो आपको 20 का हुआ प्रॉफिट भाई, 30 की कॉस्ट 50 की बिकी, तो 20 का प्रॉफिट हुआ ना। और बताओगे अभी तक प्रॉफिट, इसमें देखो इसमें देखो इसमें इसमें देखो, आपने अभी तक प्रॉफिट मार्कअप में बुक करा कितना है, 15, और एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितना, 20, तो और कितना बुक करना है, 5 का प्रॉफिट और बुक करना है। ये 5 क्या था, मार्कअप, तो और प्रॉफिट बुक करो, इसको डेबिट करो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट को, और मार्कअप अकाउंट को क्रेडिट करो, मार्कअप अकाउंट आइटम बी 5,000। लो मैंने और प्रॉफिट बुक कर दिया 5,000 का, 15 पहले ही बुक था, मैंने 5 और बुक कर दिया, बात समझ आई। ये हो गया आइटम बी। अब देखो कैंसिल आउट हो गया ना, 30 प्लस 15 45 प्लस 5 50 और 50, तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, है ना। ट्रीटमेंट करता जा रहा हूं मैं पर आइटम। अब देखो सी आपने सोचा था मार्केट में 30 की बिकेगी, एक्चुअल में सी मार्केट में 28 की बिकी। अब सुनो ध्यान से, 20 की कॉस्ट थी, 28 की बिकी, यानी बताओ सी पे कितना प्रॉफिट हुआ, 8 का। और बताओगे आपने सी पे प्रॉफिट बुक, इसमें बताओ आपने सी पे प्रॉफिट बुक कर कितना रखा है, 10, लेकिन एक्चुअल में 10 का प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं ना, प्रॉफिट तो कितना हुआ, 8 का ही तो हुआ, तो इसमें बुक कर रखा है 10, बुक होना चाहिए था 8, तो 2 का रिवर्सल कर दे, यहां पर लिखोगे 2 स्टॉक अकाउंट आइटम सी कितना, 2,000, और यहां पर लिखोगे बाय मार्कडाउन, जाता मार्कअप अकाउंट में ही है, चाहे मार्कअप लिख लो, कंफ्यूज करोगे नहीं तो, बाय मार्कअप अकाउंट आइटम सी कितना मार्कअप में जाएगा, 2,000। ध्यान रखना जाना मार्कअप अकाउंट में ही है, लेकिन है मार्कअप नहीं, है मार्कडाउन। वैसे आप कल को ये कहोगे कि सर एक अलग अकाउंट बना ले मार्कडाउन का, जरूरत क्या है, मार्कअप बाय साइड पे करते जाओ, बाय साइड पे मार्कडाउन इसी अकाउंट में टू साइड पे करते जाओ। तो मुझे बताओ सी का इफेक्ट हो गया, 30 डेबिट हुआ 30 क्रेडिट हो गया, लो सी का ट्रीटमेंट भी हो गया। ठीक है,
चलो अब आओ डी पे। देखो डी, अब मेरे को बताओ आपने सोचा था कि डी मार्केट में बिकेगा 15,000 का, तो इसलिए आपने 5,000 का प्रॉफिट भी बुक कर दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, डी मार्केट में बिका ही डी, तो बताओ क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, तो बाय लिखोगे गुड्स लॉस्ट डी, पूरा कैंसिल आउट कर दो 15,000, ये तो लॉस्ट ही हो गए, बाय गुड्स लॉस्ट डी 15,000। इस 15 में बताओ, सोच के बोलना, इसका इफेक्ट तो मैंने खत्म कर दिया, लेकिन 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 सुनो, इस 55 में, इस 55 में आप डी पे कितना प्रॉफिट बुक कर चुके हो, 5, ये सोच के कि कल को डी बिकेगा और 5 का प्रॉफिट आएगा, लेकिन एक्चुअल में डी मार्केट में कभी बिकेगा ही नहीं, है ना। तो इस 55 में से जो 5 का प्रॉफिट डी का है वो हटाना भी तो पड़ेगा ना, तो 2 साइड पे करना, 2 स्टॉक अकाउंट डी, कितने का प्रॉफिट हटाओगे, 5 का प्रॉफिट, ठीक है। और ई का बताओगे क्या हुआ था, ई आपका क्लोजिंग स्टॉक था, बाय बैलेंस कैरिड डाउन ई, मुझे बताओ आपने ई का क्या सोचा था, मार्केट में 15 का बिकेगा, लेकिन ई बिका ही का, इस साल तो नहीं बिका, तो क्लोजिंग स्टॉक में आ गया 15, हो गया ये अकाउंट इफेक्ट भी खत्म, चलो ये अकाउंट तो टैली हो गया। अब सुनो, अभी सुनो, अब मुझे बताओ इस ई पे आप कितना प्रॉफिट इस 55 में बुक कर चुके हो, 5 का प्रॉफिट बुक कर चुके हो, ये सोच के कि ई मार्केट में बिकेगा और 5 का प्रॉफिट आएगा, लेकिन ई इस साल तो बिका ही नहीं ना, अगर बिकेगा भी तो कब बिकेगा, अगले साल, तो अगले साल बुक करना प्रॉफिट, इस साल क्यों बुक करते हो, हटाओ इसमें से 2 स्टॉक अकाउंट, या इसे ना 2 बैलेंस कैरी डाउन, 2 बैलेंस कैरी डाउन, है ना, स्टॉक पे है ना, तो बैलेंस कैरी डाउन लिख लेना ई, कितना हटाओगे इसमें से 5,000। अच्छा अब जरा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट को टैली करो, 55 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 10 48, और जो ये 48 आ रहा है ना, ये जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, तो एक्चुअल में हमने 48 का प्रॉफिट इस साल क्या किया है, अर्न किया है, और ये कहां चला गया, पीएल में, और कैलकुलेट करके देखो 48 ही आएगा, देखो देखो जरा एक बार, आओ मुझे बताओ ए की कॉस्ट क्या थी, 40, मार्केट में बिका 60 का, तो कितने का प्रॉफिट, 20 प्लस, बी 30 का था, मार्केट में बिका 50 का, कितना प्रॉफिट 20, और सी 20 का था, मार्केट में 28 का बिका, कितना प्रॉफिट 8, बाकी डी खो गया था और ई बिकाई नहीं, तो टोटल कितना प्रॉफिट कमाया 48, ठीक है। तो ये है हमारा मार्कअप एंड मार्क डाउन अकाउंट, इसमें याद पता क्या रखना है, सुनो याद क्या रखना है, जो मार्क अप है वो इस अकाउंट में क्रेडिट होगा मार्कअप, और जो मार्क डाउन है वो इसी अकाउंट में डेबिट होगा, ये थोड़ा सा याद रखना। तो मार्कअप अकाउंट इस अकाउंट में क्रेडिट होगा और मार्क डाउन अकाउंट इस मार्क डाउन इस अकाउंट में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में,